सो है गाइस, क्या हाल है। सबसे पहले तो आप सभी को बता दूं कि इस वीडियो में भी आप लोग के लिए दो गिवअवे अवेलेबल है। पिछले गिवअवे का पेमेंट प्रूफ आपके सामने है। गिवअवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सिंपली वीडियो को पूरा देखना है, उसके बाद कमेंट करके बताना है कि वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा है या किस पार्ट में सुधार की जरूरत है। साथ में अपना इन गेम UID भी अटैच कर दीजिएगा। तो जाओ वीडियो देखो, कमेंट करके बताओ कुछ अच्छा लगा क्या। यार विक्की, तुम्हारे उस देसी दोस्त के घर में रुकना जरूरी है क्या? वैसे भी दो ही दिन का काम है बरमूडा में, कोई होटल बुक कर लेते हैं ना। यार इतना भी आसान नहीं है, ये पोर्गेटरी नहीं बरमूडा है। यहाँ एक ऑटो तो मिलता नहीं है, होटल का खाक बुक होगा। और वैसे भी मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है, उसे उसकी औकात जो दिखानी है। आज से 5 साल पुरानी बात है, वो मुझे इसी एयरपोर्ट में छोड़ने आया था यही। भाई विक्की, मैं तन्ने अभी भी समझा रहा हूँ, मत जा यार, साथ रहेंगे खुश रहेंगे। अपनी मिट्टी अपनी हुए है, पैसों का कहा है, वो तो कल भी आ जाएगी। नहीं जय भाई, तू समझ ही नहीं रहा है, इस मिट्टी में रहेंगे तो देसी गवार बनेंगे, पोर्गेटरी जाएंगे तो नाम भी कमाएंगे और पैसा भी। मेरा मानता है तो तू भी चल मेरे साथ। ना भाई, मारे को नहीं जाना, मैं यही रहूंगा, इंतजार करूंगा थारा। तो फिर ठीक है भाई, मत जा। 5 साल बाद जब मैं पैसे लेके आऊंगा ना, तब देखना तुझे कैसा लगता है। अरे ना भाई ना, तू पैसे लेके आ चाहे ना आ, बस तू आ जाना, मारे लिए तो उतना ही बहुत है। चलते हैं, ध्यान रखना अपना। बस उसके बाद कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैंने उस दिन ठान लिया था कि इतने पैसे कमाऊंगा कि मेरे सामने कोई औकात नहीं रहेगी उसकी। और आज देखो। अच्छा वो सब तो ठीक है यार विक्की, पर और कब तक हम ऐसे ही खड़े रहेंगे? तुम्हारा दोस्त हमें लेने आएगा अभी कि भूल गया? यार अब क्या बताऊं, देसी आदमी है, समय की वैल्यू कहां करेगा। पर यकीन है कि आ ही रहा होगा, अगर थोड़े दूर तक हम पैदल चल लें तो। क्या? नहीं नहीं, तुम मजाक कर रहे हो ना, हम पैदल तो नहीं जाने वाले। यार विक्की, ये क्या तमाशा है, और कितनी दूर दौड़ना होगा यार मुझे। बस यार समझो, पहुंच ही गए। नहीं यार नहीं, बस और नहीं दौड़ा जाएगा मुझसे। यार यार बस थोड़ा दूर और, पिक पास में ही है, वही वो रहता है। यार बस, और अब मैं कहीं नहीं जा रही, तुम्हारा दोस्त है ना, और उसे घर पास में ही है ना, तो तुम ही जाओ और वहाँ से कोई गाड़ी लेके आओ, तब मैं जाऊंगी, और नहीं चला जाएगा मुझसे। अरे बाप रे, कोई बात नहीं मैडम, आपसे नहीं चला जाना ना, हम आपको छोड़ देंगे। बोलो बोलो, हमारे साथ चलोगे? अरे ओ, कौन हो तुम लोग, मुझे तुम लोग के साथ नहीं जाना, खूब जानते हो तुम जैसे लोग को, चलो जाओ यहाँ से। अरे ऐसे कैसे चले जाए मैडम, हम लोग आपको देख के गाड़ी रोके हैं, मतलब आपको लेने आए हैं, अगर आपको लिए बिना चले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा मैडम। अरे ओ भाई, तुम लोग को पैसे चाहिए तो ले लो, पर हम लोग को परेशान मत करो, वरना मेरा एक दोस्त आ रहा है, पुलिस में है, तुम लोग की अच्छी वाट लगाएगा, चलो भाग जाओ यहाँ से। अच्छा सुना बेगनिया, इसका दोस्त आ रहा है हमारी पिटाई करने, चल बुला 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 तेरे दोस्त को, कहाँ है वो। हाँ हाँ वो तो देख ही लेंगे। अरे कौन है बे तू, कहीं तू ही इस फिरंगी का दोस्त तो नहीं? एक मिनट जेड, तू यार आने में तो देर क्यों कर दिया, देख ये लोग बेवजह परेशान कर रहे हैं। थम जा, मैं देखता हूँ इनको। अबे क्या देख लेगा, देख देख भाई, सही गलत का मारे को पता नहीं, मैं हूँ वो जिसके जैसा कोई और नहीं। बेवजह लगा तुम्हारे यार से, सीधे से निकल वरना थारा डिसीजन होगा यही। अबे वो कुर्ता पजामा, लाइन तो बहुत भारी बोल दी बेटा तूने, लेकिन हमसे टकराने से पहले जान तो ले कि हम कौन है। मेरा बाप नेता है यहाँ का, मुझसे टकराएगा तो बहुत भारी पड़ेगा थारे को। देख बेटा, बाप के नाम में ज्यादा ना उड़, कहीं पड़ गया ना मारा भूसा तो यहीं के यहीं हो जाएगा थारा पूरा ढोंग चकना चूर। और जिस बाप के नाम पे उड़ रहा है ना तू, जाके पूछ उसको काहे रहता है जय प्रताप से इतना दूर। का? अबे तेरी जय प्रताप से, अबे गनिया निकल यहाँ से, निकल निकल, गाड़ी निकाल साले, जल्दी निकाल। अरे भाई क्या है ये सब, वो आदमी तेरा नाम सुन के भाग गया, यार गुंडा गुंडा बन गया क्या तू? अरे ना यार, गुंडा ना बोल सकते, पर हाँ थोड़ा खौफ है मारा, और मैं थोड़े काम में फंस गया था, इसलिए आने में देर हो गई भाई। यार देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन हो तुम और क्या खौफ है,
यार तुमने हमारी मदद की उसके लिए शुक्रिया, पर फिलहाल खड़े खड़े थक चुकी हूँ मैं। प्लीज मेरे आराम का कोई बंदोबस्त कर दो। अरे मत डम फिकर ना करो, सब हो जाएगा। अरे जय भाई पागल हो गया क्या, तू तो बाइक में आया है, इसमें हम सब कैसे जाएंगे? कोई बड़ी गाड़ी नहीं लिया क्या अभी तक? अरे तू फिकर ना कर भाई, थारे भाई के पास ना हर चीज का जुगाड़ है। थारे को बड़ी गाड़ी में जाना है ना, जरा पलट के देख पीछे। क्या है पीछे? बैलगाड़ी? अबे जिप्सी, ये जिप्सी तेरी है भाई। भाई तुझे पसंद है तो तू अपने ही मान ले, बस भी तू यार है मारा, तारे मारे बीच क्या तेरा मेरा। लीजिए साहब, जीप आ गया। बहुत बढ़िया छट्टे, ये दोस्त है हमारे, इनको घर लेके जाना है। जी साहब फिक्र वाली कोई बात नहीं है, हम पहुंचा देंगे। चलिए मैडम सर, आप लोग गाड़ी में बैठ जाइए, हम आपको घर ले चलते हैं। देखो छोटे, ये मेरे खास मेहमान है, इनका खास ध्यान रखना। जी साहब मैं समझ गया, आप भी तो घर चल रहे ना साहब। हाँ तो चल, मैं आया। जे ये क्या, यहाँ तो कल तक झोपड़ी था और आज ये हवेली बन गया, ये क्या कमाल है भाई। बस भाई हो गया, ये तो सब मारी मेहनत का सर है। मार पीट का या गुंडागर्दी का? भाई थोड़ी देर पहले ही देखा हूँ मैं, कैसे तेरा नाम सुन के आदमी भग गया। भाई तू बहुत बड़ा गुंडा बन गया है ना, और मुझे लगता है कि ये घर भी तू किसी से छीन के ही रखा होगा। इतना ज्यादा भी ना सोच विक्की तू, जैसा तू सोच रहा है ना भाई वैसा कुछ भी ना है। छोटे जाके भैया दीदी को रूम दिखा दे। जी ठीक है भैया, मैं दिखा देता हूँ भैया दीदी को रूम। आओ भैया दीदी, आप लोग को रूम दिखा देता हूँ मैं, ये हमारे साहब जी की सबसे खूबसूरत गेस्ट हाउस है, आप लोग को देख के मजा आ जाएगा, अंदर से वाकई बहुत खूबसूरत है गेस्ट हाउस। कुछ लगने से बता देना भैया दीदी, अब मैं चलता हूँ, उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगेगा। देख लो विक्की, अपने दोस्त को औकात दिखाने आए थे ना, अब देख लो, देख के तो नहीं लगता कि तुम्हारा दोस्त तुमसे किसी भी मामले में कम है। यार तुमने देखा तो ना, वो एक गुंडा है। पर है तो तुमसे अमीर ना। बाकी सब तो साइड में रख मनीष, और मैं एक सिर्फ ये बता, जो अनाथ आश्रम को पैसे जा रहे थे वो अभी तक काहे के लेने गए? भाई मैंने तो भेज दिया था, पर बैंक में ही कुछ प्रॉब्लम है और वो आपसे मिलना भी चाहते थे, एक बार आप बैंक चले जाइए ना भाई। अच्छा तो मारे को जाना पड़ेगा, चल ठीक है मैं चला जाऊंगा। अरे क्या बात है विक्की, आराम ना कर रहा है भाई? आराम तो होते रहेगा जय भाई, लेकिन जिस काम से है उसे तो पहले कर ले। अपने को ना बैंक जाना है, एक छोटा सा काम है या कहे बहुत बड़ा, तू चल ना भाई हमारे साथ। इतने साल बाद आए हो प्रभु, फिर भी काम ही करना है थारे को। चल ठीक है मैं मना ना कर रहा थारे को। देख जय भाई मेरे को पता है तो पूछेगा नहीं, मैं फिर भी तेरे को बता देता हूँ, पैसों का मामला है भाई, बहुत ज्यादा पैसे, पूरे 2 करोड़, इतना तो तू कभी सोच भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी बता देता हूँ मैं तुझे। चल ठीक है समझ गया, ले चलता हूँ मैं थारे को। छोटू चलेगा? अरे नहीं यार ड्राइवर मत रखो, मुझे जिप्सी बहुत पसंद है पर कभी चलाने का मौका नहीं मिला, तो मैं चलाऊंगी। चलो ठीक है चला लो, आप कर लो अपनी शौक पूरी, वैसे भाभी बहुत खूबसूरत है विक्की। अरे नहीं जय भाई, जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, ये और मैं सिर्फ बिजनेस पार्टनर है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। घड़ा अजीब आदमी है भाई तू, साथ में छोड़ी फिर भी कहानी अधूरी। खैर तूने बताया नहीं बैंक में क्या काम है थारे को? तू तो जानता है ना जय कितना बड़ा बिजनेसमैन हूँ मैं, बहुत पैसा अपने पास, थोड़े पैसे मैंने बैंक से भी लोन लिए थे, बस उसी को सेटल आउट करने आया हूँ भाई। अच्छा तू बोले तो आऊँ मैं थारे साथ अंदर, थारे को आसानी होगी। अरे नहीं भाई, पॉर्गेटरी में बहुत इज्जत है मेरा, और बरमूडा के भी कुछ लोग जानते हैं मुझे, तू मेरे साथ मत आ, तेरे जैसा गुंडा अगर मेरे साथ अंदर जाएगा तो मेरे इम्प्रेशन को नुकसान पहुंचेगा ना भाई। चल ठीक है भाई, जैसा थारे को सही लगे, तू अपना काम निपटा ले, मैं बाहर इंतजार करता हूँ थारा। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने, तुम यही इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। बिल्कुल ठीक युग सर, उनके खिलाफ तो पुलिस केस करना है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, आप कौन? सर मैं पॉर्गेटरी वाला बिजनेसमैन विक्की, वो बैंक का लोन था ना आप लोगों ने बुलवाया था, उसी के लिए आया हूँ। ओह ठीक ठीक ठीक, पहचाना, तो वो आप ही हैं सर। आपका लोन बहुत ज्यादा हायर चढ़ चुका है, आपने कंपनी के शायद 2 करोड़ रुपए का लोन लिया हुआ था, लेकिन आपने अभी तक उसे पूरा नहीं किया है। सर अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपके ऊपर पुलिस केस हो सकती है और आपकी पूरी प्रॉपर्टी सीज भी हो जाएगी। अरे नहीं सर ऐसा मत कीजिए, हमारी कंपनी अभी बहुत ज्यादा लॉस में है, लोन के पैसे वापस करने में हमें थोड़ा टाइम चाहिए, इसी के बात करने के लिए हम आए थे सर। देखिए सर टाइम तो आपको नहीं मिल सकता, या तो आपको पूरे पैसे जमा करने होंगे या फिर जेल। ना जाने किस बात के लिए इतना टाइम लग रहा है इन लोगों को,
मारे को भी तो बैंक में काम था। जी सर, कहिए कौन है आप और क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी? उत्तरी जय प्रताप सिंह, आप? नमस्ते सर। जी नमस्ते सर, मारे को आपके मैनेजर से मिलना था, अगर आप बुला देते तो बहुत मेहरबानी होती आपकी। अरे इसमें मेहरबानी वाली कोई बात नहीं है सर, आपके लिए कुछ कर सकूं इससे बड़ी बात और क्या होगी। सर जी बात सुनिए सर जी हमारी, सर जी गजब हो गया। क्या हो गया बरखुदार, इतना क्यों हड़बड़ा रहे हो, क्या भूत वूत देख लिए? अरे नहीं सर जी, बाहर जय प्रताप सिंह आए हैं सर जी, आपसे मिलना चाहते हैं। क्या क्या बात कर रहे हो, जय प्रताप सिंह जी आए हैं यहाँ? हाँ सर जी, मैं सच कह रहा हूँ, चलिए आ जाइए सर जी। अरे हटो हटो भाई हटो, उनको इंतजार कराने की औकात नहीं मेरी, हट जाओ भाई सामने से। आइए सर जी आइए, ये रहे जय प्रताप सिंह जी, आपका इंतजार कर रहे हैं सर जी। अरे जय साहब, नमस्ते साहब, आप आए, हमारे तो भाग्य खुल गए, आप यहाँ बाहर क्यों खड़े हैं, आइए अंदर आइए। अरे ना मैनेजर साहब, मैं आपसे ही ना मिलने आया हूँ, आप ही ने तो बुलाया था ना तरसम वाले मामले में। और तू बता विक्की भाई, थारा काम हुआ कि नहीं, कि कुछ मदद करूं मैं? अरे विक्की सर, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप प्रताप सिंह जी के साथ आए हैं, आपका पूरा लोन के लिए आपको डेट मिल जाता, आपको एक्स्ट्रा लोन और एक्स्ट्रा डेट दोनों देगी अब हमारी कंपनी। क्या क्या आप सच कह रहे हो मैनेजर साहब, क्या आप सच में हमें डेट और लोन दोनों दोगे? अरे हाँ सर, बिल्कुल सच कह रहे हैं हम। ठीक है प्रताप सिंह जी, अब हम चलते हैं, यहाँ आने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अरे कोई बात ना, चल भाई घर चल ले, सुन के तो लग रहा है कि थारा काम भी हो ही है। हाँ जरूर, पर भाई तू है कौन यार, गुंडे तेरा नाम सुन के भाग जाते हैं, लोग तेरी इज्जत के थकते नहीं है, करोड़ों का लोन तुझे देख के पास हो जाता है, भाई तू है कौन? अरे मारे भाई जान जाएगा, भागदा थोड़ी जा रहा हूँ, फिलहाल तू घर चल मारे साथ। भाई बता दे यार, तेरी पहुँच देख के डर गया हूँ मैं। अरे तेरी भी क्या जल्दबाजी है, तू तो भाई है हमारा, रुक जरा सबर कर। देख रहे हो ना विक्की, जिसे औकात दिखाने के लिए आए थे तुम, उसकी औकात के सामने टिक नहीं पा रहे हो। हाँ यार तुम ठीक कह रही हो, इस दिन का बहुत इंतजार किया है मैंने, बहुत मेहनत किया इस मुकाम में पहुंचने के लिए, पैसे कमाने के लिए, ताकि एक दिन वापस आके उस देसी को मैं उसकी औकात दिखा सकूं। लेकिन सब उल्टा हो गया यार, कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर है कौन वो। एक मिनट, अपने मालिक के बारे में नौकर ज्यादा और कौन जानता है, उसे बुलाते हैं। इधर आओ, ओ भाई इधर आओ जरा। जी साहब जी, कहिए क्या करूँ मैं आप लोग के लिए, कुछ नाश्ता वास्ता लाऊं क्या साहब जी? अरे नहीं छोटे, कुछ नहीं चाहिए हमको, तुम बस हमको इतना बताओ कि आखिर तुम्हारे जय साहब करते क्या हैं, किस पोस्ट में है वो, कहाँ से आता है उनके पास इतना पैसा, और क्यों डरते हैं लोग उनसे? लोग नहीं साहब जी, शैतान लोग डरते हैं जय प्रताप सिंह जी से, वो बहुत अच्छे आदमी है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, यहाँ के सबसे अमीर आदमी है, यहाँ जितने भी गरीब अनाथ लोग हैं उनके कर्ता धर्ता भी हैं, वो लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट उनके साथ है, और इसलिए उनके पास बहुत सारी पावरें भी हैं। पर इतना सब कुछ कैसे, वो तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है ना। अरे किसने कहा साहब जी कि वो पढ़े लिखे नहीं है, जय प्रताप सिंह जी बहुत पढ़े लिखे हैं। अच्छा चलो ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है साहब जी। देख लो, तुम अपने दोस्त को औकात दिखाने आए थे ना, अब तो दिख गई ना तुम्हें उस देसी की औकात। यार मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया, अब मैं खुद को कैसे मुंह दिखाऊंगा? यार उतना भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर तुम चाहो तो मैं कुछ कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। क्या मतलब? यार देखो, अगर तुम्हारे दोस्त की पूरी प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाए तो तुम उससे बड़े आदमी बन सकते हो। हाँ पर कैसे? तुम बस एक वसीयतनामा तैयार करवाओ, बाकी मुझ पे छोड़ दो। यार जय को हल्के में मत लो। यार तुम मुझ पे भरोसा तो करो, उससे मैं साइन करवा लूंगी, तुम बस पेपर तैयार करवाओ। अरे तो इसमें कौन से बड़ी बात है छोटे, थारे को करना है ना तो तू कर ले, बाकी मैं देख लूंगा, भरोसा रख मारे ऊपर। एक मिनट रुक जरा। क्या हो गया मैडम जी, आप अकेले ही आई हैं, सब ठीक तो है ना, विक्की कहाँ है? अरे हाँ सब ठीक है, वो विक्की ना आराम कर रहा है, और मुझे कि आश्रम जाना है, क्या आप मुझे ले चलेंगे? हाँ जरूर ले चलूंगा मैडम जी, लेकिन वो क्या है ना, आज सारी गाड़ियाँ सर्विसिंग में है, सिर्फ मेरा बाइक ही है, अगर आप बोलो तो। अरे हाँ प्रताप जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके साथ बाइक में भी चल सकती हूँ। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आ जाइए मैं ले चलता हूँ आपने। लीजिए रानी जी, आपकी मंजिल पहुंच गई। थैंक यू प्रताप जी, थैंक यू सो मच। अरे बेटा रुकिए, ये लड़कियों का आश्रम है, आप यहाँ से दूर रहिए। अरे सॉरी सिस्टर, ये नहीं, मैं मिलने आई हूँ आप लोग से, ये तो बस मुझे छोड़ने के लिए आए थे। हाँ बेटा कहिए, किस लिए आए हैं आप यहाँ? सिस्टर मैं पोर्गेटरी से हूँ, मेरे घर के पास में एक आश्रम है, वहाँ के लोगों के लिए और आश्रम के लिए मैं बहुत से चैरिटी करती हूँ,
अब मैं यहाँ तो रह नहीं सकती और मदद भी नहीं कर सकती, तो सोचे यहाँ भी कोई छोटी सी चैरिटी कर दूँ। अरे वाह बेटा, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप जैसे बहुत ही कम लोग होते हैं इस दुनिया में। सिस्टर की बात तो बिल्कुल सही है, छोरी का दिल तो मन ने भी घना साफ लग रहा है। अरे नहीं सिस्टर, ऐसी कोई बात नहीं है, अब मैं एक छोटी सी एम्प्लॉई हूँ, ज्यादा पैसे नहीं कमाते इसलिए छोटी चैरिटी करती हूँ। अरे नहीं बेटा, देने वाले का दिल साफ होना चाहिए, कीमत कभी भी मैटर नहीं करता। तो फिर ठीक है सिस्टर, ये 20,000 है, अभी आप इतने ही रखिए, नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो ज्यादा देने की कोशिश करूंगी। ठीक है बाय सिस्टर। पहली बार किसी लड़की ने देख के दिल बाग बान हो गया हमारा। नेक्स्ट टाइम बरमुड़ा आऊंगी तो आपसे मिलने जरूर आऊंगी। चलिए ठीक है, चलो प्रताप जी मेरा काम हो गया, अब हम घर चलते हैं। एक बात तो मानना पड़ेगा रानी जी, दिल घना साफ है आपका, कम पैसे फिर भी चैरिटी, ऐसा काहे के लिए? प्रताप जी ऐसा इसलिए क्योंकि एक अनाथ का दर्द एक अनाथ से ज्यादा और कौन समझ सकता है। आपको पता है मैं भी एक अनाथ हूँ और मेरा ड्रीम है कि मैं एक बहुत बड़ा सा आश्रम बनाऊँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है ना, और मैं इतने बड़े घर से भी नहीं हूँ तो मैं नहीं कर पाती, इसलिए छोटे छोटे चैरिटी करती हूँ। अब चलो घर। हाँ ठीक है चलिए, वैसे आप आश्रम बनाना चाहती है ना, तो ठीक है मैं दूंगा थारे को पैसा, तुम बना लेना तुम्हारा आश्रम। क्या, थैंक यू सो मच प्रताप जी। क्या हुआ रानी, जय माना या नहीं? ऐसे कैसे नहीं मानता, रानी के हाथ से कोई बचा है कभी? अब बस तुम देखो कैसे मैं 20,000 रुपए से 20 करोड़ बनाती हूँ। सबसे पहले तो हमें यहाँ से निकलना होगा। हाँ ठीक है, जय तो वैसे भी घर पे नहीं है, निकलने का बंदोबस्त अभी मैं करता हूँ। अरे ओ भाई जरा सुनो, इधर आओ जरा। जी साहब। कहिए साहब, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? भाई हमें एक जरूरी काम से बाहर जाना है, तुम जाके एक गाड़ी का बंदोबस्त कर दो। हाँ ठीक है साहब, मैं अभी गाड़ी का बंदोबस्त कर देता हूँ। चलो बहुत बढ़िया, गाड़ी का बंदोबस्त तो हो गया, तुमने पेपर का जुगाड़ तो कर लिया है ना? हाँ हो गया है। हाँ अब हमें बस उसे चैरिटी के पेपर से मिला देना है और उसके बाद पूरी प्रॉपर्टी हमारी होगी। हाँ बहुत बढ़िया, लो गाड़ी भी आ गई। लीजिए सर आप लोग के लिए गाड़ी, अगर आप कहें तो मैं आपको छोड़ दूँ। अरे नहीं नहीं, हम लोग खुद चले जाएंगे, वैसे भी अब बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं हमारे। चलो अब हम चलते हैं। वैसे रानी बात किस जगह की हुई थी? यार हमें डैम जाना है, हमारा पूरा काम वहीं होगा। ना जाने इन लोगों ने मारे को यहाँ क्यों बुलाया है, काम तो घर बैठे भी हो सकता था। क्या बात है, तुम लोगों ने मेरे को यहाँ क्यों बुलाया है, ये बातें तो घर बैठे भी हो सकती थी ना? हाँ हो सकती थी जय प्रताप जी, लेकिन हम चाहते थे कि जल्दी से जल्दी काम खत्म हो जाए और हम वापस भी जा सके, पॉर्गेटर में भी बहुत सारा काम है ना हमारा। अच्छा ऐसी बातें हैं, तो ठीक है बताओ करना का है मारे को? आप बस जल्दी से इसमें साइन कर दीजिए प्रताप जी। बस इतनी सी बात, ये लो हो गया सिग्नेचर। अरे यार रानी इसने तो बिना पढ़े ही सिग्नेचर कर दिए। हाँ तो इसमें पढ़ना का, ये तो चैरिटी के पेपर है ना। अब देख लो जय प्रताप सिंह, पेपर तो तुम्हारे हाथ में थे ना, तो पढ़े क्यों नहीं, इसलिए कहते हैं पढ़े लिखे अनपढ़ देहाती गंवार कहीं के, लेकिन तुम पढ़े नहीं ना, कोई बात नहीं मैं बता देती हूँ इन पेपर में क्या लिखा था। ये तुम्हारा वसीयतनामा था, अब से तुम्हारी पूरी संपत्ति हमारी हुई और तुम कटोरा लेके भीख मांगो। ओहो इतनी भी क्या जल्दबाजी है भीख मांगने की, अभी तो हमने दाव खेला ही नहीं है मैडम। पागल हो क्या, ये कोई खेल चल रहा है जहाँ तुम अपना दाव चलोगे, तुम खेल पहले ही हार चुके हो। अरे ना मैडम, मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मजा तो तब है जब हारने का रिस्क हो। अबे ये क्या, रानी पीछे देख, इस साले ने तो मेरे ऊपर बंदूक ही लगा लिया। इतने में ही हवा निकल गई क्या भाई, भरोसा तोड़ोगे तो टूटने के लिए भी तैयार रहो। थारे को क्या लगता है पॉर्गेटरी जैसे बड़े शहर में थारे को नौकरी कैसे मिल गई? मेरे भाई मैं था थारे पीछे थारे साथ, पर तू ना समझ पाया। पर मैडम आपके लिए तो मैं आश्रम तक बनाने जा रहा था, पर आपको समझ नहीं आया। लेकिन एक बात है मैडम, जो ज्यादा लालच किया ना वो हमेशा मुंह का खाया। यार हम मानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दो, दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, प्लीज माफ कर दो हमें। मैडम उम्मीद न रख तुम्हारे से, तुझ पे ही भरोसा करके हम हारे से, तुम्हारी खातिरदारी के लिए पुलिस भी आ रहे से। इस स्टोरी से बस 3 चीज सीख लो, किसी को अंडर एस्टिमेट मत करो, किसी का भरोसा मत तोड़ो और किसी के साथ बुरा मत करो।